हाय गाइस, आई एम दिव्या एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल एस्थेटिक दिव्या। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे होम डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लिविंग रूम मेकओवर। तो ये जो वीडियो था ये फेस्टिव सीरीज के लिए प्लान था, मतलब दिवाली के पहले आने वाला था, बट वी आर लेट। शूट तो मैंने पहले कर लिया था, मेकओवर तो हो गया था पहले, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो अब करने वाले हैं अपन ये। एंड ये जो पूरा लिविंग रूम है इसका टूर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ एक वीडियो में, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा एम्बेरसिंग है बट वीडियो अच्छा था, तो लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना। तो मैं इसका बिफोर पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ, अदरवाइज रिपीटेटिव हो जाएगा। एंड इनफैक्ट मैंने पूरे लिविंग रूम को खाली कर दिया है, अब सिर्फ हमें चीज़ों को अरेंज करना है, स्टाइल करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोफ़ा से। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मैंने सारी चीज़ें खाली कर दी हैं, तो सबसे पहले हम इस सोफ़ा की पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि एक नया डिफरेंट लुक आए इस लिविंग रूम में। तो मैं इसको दूसरे साइड प्लेस कर दूंगी। एंड उसके बाद इसके जो कुशन्स हैं वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मेकओवर जो है ये थोड़ा एथनिक या इंडो वेस्टर्न टाइप से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फेस्टिवल के लिए कर रही थी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाइब देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं इस पर एक दीवान सेट यूज़ कर रही हूँ। ये दीवान सेट मैंने आपको अपने एक दिवाली होम डेकोर हॉल में दिखाया था। तो ये सेट ऑफ 7 है, एक सिंगल बेड बेडशीट है, 5 कुशन कवर्स हैं एंड 2 लोड या बोल्स्टर कवर हैं। तो मेरा तो ये वुडन सोफ़ा है, ये सोफ़ा कम बेड है एक्चुअली, इसमें स्टोरेज भी है बहुत सारा, ये मैंने लोकल मार्केट से बनवाया था। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ऐसे कुशन्स हटाने का, तो फिर आप उस पर ट्रेडिशनल वाला सोफ़ा थ्रो डाल सकते हैं। साइड में जो लोड है, राउंड वाले जो कुशन है, ये रख के देखिए, ये इंस्टेंटली आपके सोफ़ा को एक इतने ट्रेडिशनल वाइब दे देंगे। एंड मुझे ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन एंड ये पूरा सोफ़ा ही चेंज हो गया है, इतना डिफरेंट लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने नया सोफ़ा परचेस किया है। तो अब आते हैं कॉर्नर पे। ये कॉर्नर पे मैं एक मैंगो क्रेट यूज़ कर रही हूँ एज अ साइड टेबल। ये वाला हैक मैं ऑलरेडी अपने किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये नॉर्मल मैंगो क्रेट है, 20-25 रुपीज़ में मिल जाएगी और उसको मैंने वाइट पेंट कर लिया है। एंड इस मैंगो क्रेट के ऊपर मैं एक DIY लैम्प रख रही हूँ। ये लैम्प हमने खुद बनाया है अपने एक वीडियो में एंड ये मुझे 100 रुपीज़ से भी कम का पड़ा था। एंड ये बहुत प्यारा लैम्प लगता है। एंड इसके साथ एक और DIY डेकोरेटिव पीस है, बटरफ्लाई वाला, ये भी हमने एक वीडियो में ट्राई किया था जिसमें हमने एक्सपेंसिव होम डेकोर आइटम रिक्रिएट किए थे। एंड उसके बाद ये एक ट्रे है, ये भी DIY है। इसके नीचे वाले पार्ट में मैंने ये एक बस आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रख दिया है। एंड उसके बाद ये मैं एक स्टैचू रख रही हूँ, ये बस्तर आर्ट का है, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो ये वहाँ का है एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ये पूरा सेक्शन अब रेडी है। एंड इसके बाजू में अब हम एक प्लांट रखने वाले हैं, तो उसके लिए हम ये DIY प्लांटर यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्लांटर स्टैंड जो है ये मुझे हार्डली 100-120 रुपीज़ में बन गया था, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये कॉर्नर अब पूरा रेडी है एंड बेसिकली ये पूरा DIY कॉर्नर बन गया है एंड बहुत प्यारा लग रहा है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे मैं एक चेयर सेट कर रही हूँ। ये प्लास्टिक चेयर नीलकमल की है, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अपने जो पुराने लिविंग रूम टूर वाले वीडियो में बताया था, तो बहुत लोगों ने बोला था कि आप करके बताओ कि आपने कैसे सारी चीज़ सेट की, तो हेयर इट इज़। तो इस प्लास्टिक चेयर को मैं एज ए एक्सेंट चेयर यूज़ करी हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़े चेयर पैड जो होते हैं या चेयर थ्रो होते हैं वो डाले हैं 2, ताकि आप जब बैठो तो प्रॉपर कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है। एंड उसके ऊपर फिर मैंने ये 2 कुशन्स रख दिया एंड दैट्स इट, आपकी प्लास्टिक नीलकमल चेयर इज नाउ एन एक्सेंट चेयर। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत ही कूल लगता है। एंड अब यहाँ पे मैं एक रग बिछा रही हूँ। ये जो रग है ये दिल्ली हाट से लिया था मैंने, ये हैंड वुवन है एंड दिस इज़ मिर्ज़ापुरी दरी एक्चुअली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ट्रेडिशनल एथनिक वाइब देता है। एंड इसके ऊपर मैं ये सेंटर टेबल रख रही हूँ। ये सेंटर टेबल की स्टोरी मैंने अपने पिछले वाले लिविंग रूम टूर में शेयर की थी। एंड इसके ऊपर अब मैं ये डाइनिंग प्लेसमेंट रख रही हूँ, एक्चुअली सेट ऑफ 6 था, तो इसके कुछ पीसेस हेयर एंड देयर अपन यूज़ करेंगे। एक मैं यहाँ पे रख रही हूँ एंड इसके ऊपर मैंने ट्रे रख दी है जिसमें कुछ निक नैक्स हैं। एंड ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ली हुई है आई गेस, तो लिंक जो भी चीज़ मैंने ऑनलाइन ली है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अब ये जो ऊपर वाली वॉल है यहाँ पे मैंने एक DIY हैंगिंग शेल्फ लगा दिया है। ये एक्चुअली मेरे पास वुडन पीस एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी जिसको मैंने 2 पार्ट में कट करवा के ड्रिल करवा लिया था। इसका एक शेल्फ मैंने अपने बेडरूम टूर में यूज़ किया हुआ है, आपने बेडरूम टूर में देखा ही होगा ऑलरेडी। एंड इसके ऊपर फिर मैंने कुछ निकनैक्स रख दिए हैं। एंड इसके अपोजिट वाली जो वॉल है यहाँ पे हमने ये वॉल क्लॉक लगाई है, ये भी एक DIY है।
जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रिक्रिएट वाली जो सीरीज़ थी पार्ट टू था, उसमें हमने ये वॉल क्लॉक बनाई थी एंड बहुत लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी। एंड ये कर्टन के बाजू में जो जगह है, यहाँ पे मैं एक लैम्प लगा रही हूँ। ये लैम्प भी एक DIY है, हमने DIY लैम्प पार्ट टू वाले वीडियो में ये शेयर किया था। एक्चुअली मैंने फ्लोर लैम्प बनाया था एंड अभी उसका बस जो लैम्प शेड वाला पार्ट है वो यूज़ करके मैं इसे एज अ हैंगिंग लैम्प यूज़ कर रही हूँ। एंड जो सोफ़ा के ऊपर एक बल्ब का कनेक्शन दिया हुआ है ना, वहाँ पे मैं वॉल लैम्प वाला इफेक्ट देना चाहती हूँ। तो वही जो अपनी पुरानी ट्रिक है जो अपन सारे वीडियो में यूज़ करते आए हैं, मैं ये कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगी। बस ऊपर बल्ब पे रख देना है, दैट्स इट। एंड बहुत अच्छा सा पैटर्न बन के आ रहा है एंड प्रॉपर वॉल लैम्प वाला इफेक्ट आ रहा है। एंड वॉल में आपको कोई ड्रिल नहीं करना पड़ा, नेल्स नहीं लगाने पड़े। एंड ये जो कैंडल होल्डर मैंने यहाँ पे एज अ वॉल लैम्प यूज़ किया है, ये मेरे जो पेंडेंट लैम्प है, हैंगिंग पेंडेंट लैम्प ऑलरेडी जो है हॉल में, उससे पूरे तरीके से मैच हो रहा है। एंड ये सब एक प्रॉपर सेट लग रहे हैं अब। तो ये वाला जो एरिया है, पूरा सिटिंग एरिया, वो अब अपना पूरा रेडी है एंड बहुत प्यारा लग रहा है एंड बहुत डिफरेंट लग रहा है। टोटली पूरा चेंज हो चुका है जैसा पहले था उससे। नाउ कमिंग टू दी एंट्री सेक्शन, एंट्री करते ही एक साइड में शू रैक है एंड एक साइड में टीवी रैक है। तो शू रैक वाले एरिया में आते हैं अभी। तो यहाँ पे जो चेयर और शू रैक के बीच में जगह खाली है, वहाँ पे मैं अपनी बुक रैक रख दूंगी। ये बुक रैक की स्टोरी भी मैंने पुराने लिविंग रूम टूर वीडियो में शेयर की है। तो ये बुक रैक को मैं बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ उसके अरेंजमेंट, बस छोटे मोटे निकनैक्स इधर उधर चेंज कर दूंगी, दैट्स इट। एंड अब जो शू रैक एंड बुक रैक के बीच की जगह खाली है, वहाँ पे मैं एक कॉर्नर टेबल रख रही हूँ एंड उसके ऊपर मैंने एक प्लांट रख दिया है। एंड इस शू रैक के ऊपर मैंने ये दो डाइनिंग प्लेसमेंट्स को साथ में रखा है ताकि वो लगे कि एक ही है। ये जो हमने सेंटर टेबल पे प्लेसमेंट यूज़ की थी उसी का सेट है। एंड इसके ऊपर अब मैं कुछ निकनैक्स रख दूंगी। एंड शू रैक के नीचे मैं ये एक जूट वाला रग बिछा रही हूँ क्योंकि इस घर में अलग से फॉयर एरिया नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस को अलग सेग्रीगेट करने के लिए मैं ये रग बिछा रही हूँ। एंड वैसे भी ये पूरी एरिया खाली थी तो ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। एंड अब आते हैं टीवी रैक पे। ये टीवी रैक की भी अलग स्टोरी है जो ऑब्वियसली पुराने वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग टेबल रनर बिछा हुआ है एंड उसके ऊपर मैंने कुछ निकनैक्स रख दिए हैं। एंड इसके बाजू में जो आपको ये ब्लू कलर का सेक्शन कैबिनेट कुछ दिख रहा है, तो ये बैटरी है, बैटरी का कवर है एंड इसके ऊपर इन्वर्टर रखा हुआ है। तो इन्वर्टर के ऊपर वो सेम येलो वाला प्लेसमेंट में एक डाल दे रही हूँ एंड यहाँ पे मैं बाकी कुछ थोड़े बहुत निकनैक्स रख दूंगी। एंड ये जो फ्लोर वास है ये पहले से यहाँ पे रखा हुआ है एंड पहले वाले लिविंग रूम टूर में ये कहीं और रखा हुआ था, तो इसको मैं एज ए टीस रहने दे रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक प्लांट ऐड कर रही हूँ। एंड जो प्लांटर है ये सेट ऑफ टू था, मैंने अमेजोन से लिया था, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अब ये हमारा एंट्री वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है एंड अब बचा है सिर्फ डाइनिंग सेक्शन। तो अब आते हैं डाइनिंग वाले एरिया में। तो यहाँ पे बस ये डाइनिंग की जो प्लेसमेंट्स है वो चेंज कर दूंगी मैं, और ये मैंने जो अपना दीवान सेट यूज़ किया है सोफे पे उससे थोड़ा मैच करते हुए सेम कलर फैमिली का ये प्लेसमेंट यूज़ किया है मैंने डाइनिंग पे। एंड इसके ऊपर बस मैंने एक ट्रे रखी हुई है एंड उसमें कुछ निकनैक्स है, बेसिक नेसेसिटीज़ है। ये ट्रे भी मैंने अमेजोन से ली थी। एंड ये जो डाइनिंग वाला अभी एक कॉर्नर है, यहाँ पे ये हम फ्लोर लैम्प रख रहे हैं जो पहले लिविंग रूम में सोफ़ा के बाजू में रहता था, अब मैं उसे यहाँ पे रख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक प्लांट ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ी हाइट देने के लिए मैंने मटका स्टैंड यूज़ किया, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। एंड जो डाइनिंग के ऊपर वाली वॉल है, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में आप देख रहे होंगे कि एक हैंगिंग प्लांट रखा हुआ है। अगर आपने 10 वेज टू ऑर्गेनाइज योर हाउस वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये प्लांट यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो डाइनिंग के ऊपर वाली वॉल है ये काफ़ी खाली खाली लग रही है, तो इसके ऊपर मैं ये कैनवस आर्ट लगा दूंगी। ये मैंने अपने एक वीडियो में बनाए थे, ये काफ़ी ईजी जो पेंटिंग हैक्स होती है ना, जो कोई भी बना सकता है, वैसे वाले हैक्स यूज़ करके मैंने बनाए थे, तो उसके लिंक भी मैं ऊपर दे दूंगी। एंड इसके ऊपर जो बल्ब का सॉकेट दिया हुआ है वहाँ पे अगेन मैं वही सेम कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ, मैंने एक और मंगवा लिया था एज अ वॉल लैम्प यूज़ करने के लिए। एंड ये जो कर्टन रॉड है उस पर मैं ये एक हैंगिंग कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। दिस वन आई गॉट इट एज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम बुलबुल ऐप, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। एंड इसको भी आप ऐसा वॉल लैम्प यूज़ कर सकते हो किसी भी बल्ब में अटका के, बट मैं यहाँ पे इसको एज अ कैंडल होल्डर ही यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो डाइनिंग एरिया है जो मैंने लास्ट दिखाया था अपने लिविंग रूम टूर में, उसके बाद ये काफ़ी चेंज हुआ है, बहुत इवॉल्व हुआ है।
तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। तो ये जो छोटे मोटे चेंजेस एंड स्टाइलिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे देती रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक डेडिकेटेड वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड ये जो वॉल है ये खाली है, तो इस पर मैं एक ये हैंगिंग वॉल प्लेट यूज़ कर रही हूँ। ये जयपुर की फेमस ब्लू पॉटरी है एंड इसके नीचे मैं एक ये मार्बल ट्रे यूज़ कर रही हूँ जो हमने खुद DIY की है। कैन यू बिलीव दैट, ये DIY की हुई है। इसको DIY करने में 50 रुपीज़ भी नहीं लगे होंगे एंड ये मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट DIY है। सो आई होप आपको ये मेकओवर वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इस पूरे वीडियो में से कौन सा पार्ट या आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि आप कोई भी नेक्स्ट अपलोड्स मिस ना करें। एंड फॉर मोर लाइफ अपडेट्स एंड बिहाइंड द सीन्स जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम ID एंड फेसबुक पेज दोनों स्क्रीन पे भी है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून हियर, टिल देन बाय बाय।